Hello everyone. After completing the topic of communication, today we are going to begin the questions related to communication, and we'll be covering all those questions which are strictly related to the topics which usually come in exams. So first let us have a look on the topics. So the topics that we'll be covering today is communication types, barriers, its types, 7 C's of effective communication. So these are the 4 topics for which we'll be covering the questions. So let us begin with the first question. A good communicator begins his or presentation with which of the following elements? So the meaning of the question is, एक communicator अपनी presentation शुरू करने से पहले कौन से elements पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है? Let us have a look at the option. First, complex question, बहुत ही कठिन सवाल पूछकर और घुमाने फिराने वाला सवाल. Next, non sequitur, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी conclusion पे पहुँच गए हैं बिना ही किसी logical argument के. Next, repetitive phrase, किसी एक ही phrase को या वाक्य को बार बार दोहराना. एंड फोर्थ आइस ब्रेकर. आइस ब्रेकर का मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा शुरुआत शुरू करवाना जिससे आप और बच्चों के बीच में एक कंफर्टेबल स्टेट डेवलप हो जाती है. तो एक प्रेजेंटेशन को की शुरुआत करने से पहले सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा तालमेल बैठा लें. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आइस ब्रेकर. अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. In a classroom, the probability of message reception can be enhanced by which of the following elements? The probability of message reception. Reception का मतलब होता है understanding. बच्चों को question कितने अच्छे से समझ में आता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये question है. तो पहला option है establishing a viewpoint. एक viewpoint की तरफ ले जाके किसी भी चीज़ के बारे में views का example दे के समझाया जा सकता है. Exposing the ignorance of students. Students की ignorance को सबके सामने ला के. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड बढ़ा के आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को. नेक्स्ट, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स. आप ऐसी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं. तो इसमें से हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टूल करेंगे तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगी. बहुत ज़्यादा बच्चों को इंफॉर्मेशन लोड दे देंगे तब भी वो भूल जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. Exposing the ignorance of students, हमें students की ignorance को बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा. Establishing a viewpoint, लेकिन अगर हम बच्चों को एक example के थ्रू एक viewpoint के थ्रू किसी चीज़ों को समझाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा ढंग से समझ में आता है. तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए, establishing a viewpoint. आगे चलते हैं. Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. आप एक ऐसे educational institution में work करते हैं जहाँ लोग equal status के हैं. Which method of communication is best suited and normally employed in such context? उस समय में आप कौन से टाइप का कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे? Horizontal communication. तो horizontal communication ये हो तब कहा जाता है जब दो लोगों के बीच में सेम लेवल पे या सेम स्टेटस के लोगों के बीच में बातचीत होती है. ये आंसर हो सकता है हमारा. वर्टिकल कम्युनिकेशन, हमने आपसे डिस्कस किया था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन तब होता है जब एक बॉस अपने एक सुबॉर्डिनेट से कुछ कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसे कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं. क्रॉस कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, दो अलग अलग देश के लोग बात कर रहे हों या दो अलग अलग लिंग्विस्टिक रिलीजन के लोग बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्रॉस कम्युनिकेशन होता है. तो यहाँ पे सिंस दो लोग ऐसे हैं जो सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे सूटेबल आंसर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. आगे चलते हैं. When superior of one department instructs subordinate of other department, it is known as. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सुबॉर्डिनेट यानी जूनियर को उससे कुछ बात करता है तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है. आइए देखते हैं ऑप्शंस को. ए, डायगनल कम्युनिकेशन. हमने पढ़ा हुआ है कि डायगनल कम्युनिकेशन तब होता है जब एक सुपीरियर, एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से अपॉइंटमेंट फिक्स करता है या किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए बात करता है, तो डायगनल कम्युनिकेशन होता है. ये हमारा आंसर हो सकता है, बट आगे के ऑप्शन देखेंगे पहले. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अभी हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तब किया जाता है जब दो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम लेवल या सेम स्टेटस के कम्युनिकेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. वर्टिकल कम्युनिकेशन तब होता है जब एक सुपीरियर अपने सुबॉर्डिनेट से बात करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन. तो हमारा सूटेबल आंसर है डायगनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सुबॉर्डिनेट से बात कर रहा है. आगे चलते हैं. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन
गाइज याद करिए, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से ग्रेप वाइन ग्रेप्स की जो लड़ी होती है वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है रैंडमली। तो जब इस टाइप के कम जब जब इस टाइप का कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी दो लोगों के बीच में होता है तो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ए हमारा ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक बार आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये उस टाइप का कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आंसर नहीं हो सकता। वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम वर्ड्स या स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आंसर नहीं हो सकता है। पैरेलल कम्युनिकेशन, ये एक नया कंसेप्ट है जो हमें ऑप्शन में मिला है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेलल कम्युनिकेशन होता है जब आप एक साथ काफ़ी सारी मल्टीपल डिजिट्स का कन्वर्जन होता है किसी भी कम्युनिकेशन को करते हुए, बेसिकली ऑनलाइन करते हुए, तो हम उसे पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। और साथ ही अगर एक एक बिट्स, एक एक एलिमेंट का ट्रांसफ़र होता है, एक बिट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर मैकेनिक्स के द्वारा, तो उसे हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन में मल्टीपल डिजिट्स का या मल्टीपल बाइनरी फॉर्म का ट्रांसफ़र होता है उसे हम मल्टीपल डिजिट्स पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब भी एक बिट्स का ट्रांसफ़र होता है तो हम उसे सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये दो कंसेप्ट नए आए हैं हमारे लिए, तो इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा बिकॉज वो ग्रेपवाइन के बारे में पूछ रहा है। आगे चलते हैं। साइंस एंड सिंबल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स। स्टूडेंट्स बैरियर्स याद करेंगे, हमने चार पांच टाइप के बैरियर्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, टेक्निकल बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें हमने बात की थी कि जहां पे वर्ड साइंस या सिंबल्स से रिलेटेड कोई भी बैरियर आता है तो उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आंसर है सिमेंटिक बैरियर्स। आगे चलते हैं। इन कम्युनिकेशन चैटिंग ऑन द इंटरनेट इज विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जब इंटरनेट पे चैट करते हैं तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है। पहला है ऑक्यूलोसिक्स, ये फिर से हमें एक नया टर्म मिला है जो अगर आप याद करें हमने अपने कम्युनिकेशन के वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्यूलोसिक्स वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जब आप अपने आईज से कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपने आई का यूज़ करते हैं तो उसे ऑक्यूलोसिक्स कहते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब आप वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज के सिवाय किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टच और ये सब। सिंस आप चैटिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसका मतलब आप वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता। पैरेलल कम्युनिकेशन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि पैरेलल कम्युनिकेशन तब होता है जब किसी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के द्वारा आप मल्टीपल बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप चैट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लिख रहे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है, इसलिए ओरल कम्युनिकेशन भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बेस्ट एग्जांपल सूट कर रहा है यहाँ पे वो है पैरेलल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं। एस्पेक्ट ऑफ वॉइस अदर देन स्पीच इज नोन एज विच ऑफ द बिलो। तो वॉइस के को छोड़कर उसके सिवाय जो स्पीच के दूसरे एलिमेंट को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फिजिकल लैंग्वेज, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता है फिजिकल लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, स्टूडेंट्स याद करेंगे कि पैरा लैंग्वेज हमने पढ़ा था कि पैरा लैंग्वेज के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डिलीवरी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में डिलीवरी की जा रही है उसे डिलीवरी लैंग्वेज कहते हैं, बीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी। नॉइस, जो डिस्टर्बेंस या ऑब्स्टिकल होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते समय उसे नॉइस कहते हैं, तो यहाँ पे नॉइस भी आंसर नहीं हो सकता। तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो पैरा लैंग्वेज है। कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप सारे ऑप्शंस देखिए और ये देखिए कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आप उसे टिक लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पेपर्स में जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है भी और अगर आप एलिमिनेशन मेथड से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है और यही ऑप्शन मोस्ट सूटेबल लग रहा है। आगे चलते हैं। सराउंडिंग इन्वायरमेंट केबल नेटवर्क आर द एलिमेंट्स दैट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच आर पार्ट ऑफ। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट केबल नेटवर्क, ये जो एलिमेंट्स हैं जो ऑब्स्टिकल करते हैं, जो रुकावट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ये किसका पार्ट है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्स्टिकल के बारे में बात हो रही है इसका मतलब हम बैरियर्स देखेंगे। ऑल्सो क्योंकि सराउंडिंग इन्वायरमेंट और केबल इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो हम याद करेंगे कि ये सब टेक्निकल इन्वायरमेंट के पार्ट थे। देखते हैं ऑप्शंस, टेक्निकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर जो वर्ड्स और सिंबल से रिलेटेड होता है, पर्सनल बैरियर जो इंसान की खुद की पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, उसके खुद के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा है टेक्निकल बैरियर, तो ए शुड बी द आंसर। नेक्स्ट,
एटीट्यूड्स एक्शन अपियरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम आर नोन एज. तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि एटीट्यूड एक्शन और अपियरेंस क्लासरूम के कंटेक्स्ट में क्या कहलाता है. ए वर्बल, वर्बल नहीं हो सकता क्योंकि आप वर्ड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. नॉन वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड एक्शंस अपीयरेंस की बात की जा रही है. गाइज याद करेंगे जहाँ पे भी वर्बल के सिवाय, वर्ड्स या स्पोकन लैंग्वेज के सिवाय किसी भी और तरीके से कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. इम्पर्सनल, जहाँ पे हम पर्सनल कुछ भी बातें नहीं कहते. यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि पर्सनल बातें की जा रही थी या कम्युनिकेट की जा रही थी या इम्पर्सनल, तो इम्पर्सनल भी आंसर नहीं हो सकता. इरेशनल, रैशनल जो कि लॉजिक पे बेस्ड होता है, इरेशनल जो बिना किसी लॉजिक के होता है. अगेन हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी इसलिए हम नहीं कह सकते कि रैशनल है इरेशनल है. सो द मोस्ट सुटेबल आंसर इन दिस केस इज नॉन वर्बल, क्योंकि नॉन वर्बल वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज के सिवाय किसी भी फॉर्म में जो कम्युनिकेट किया जाता है उसे नॉन वर्बल कहते हैं.